फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में आपको कलियों वाली कुर्ती बताऊंगी और ट्यूलिप सलवार। तो इस वीडियो के मैं दो पार्ट करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कुर्ती बताऊंगी, सेकंड पार्ट में ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इस कुर्ती बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े का अर्ज करीब 60 इंची का अर्ज है, इसलिए 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपका नॉर्मल कपड़े का अर्ज है 44 इंची का है, तो कम से कम आपको 2 से 2.25 मीटर कपड़े की जरूरत होगी, क्योंकि मैं इसकी लेंथ मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाऊंगी, तो इसलिए हमारा 1.5 मीटर में और ज़्यादा है। आराम से इसमें से कुर्ती निकल जाएगी हमारी कलियों वाली। तो कपड़े को पहले मैंने डबल कर लिया है, फिर उसको मैंने जितना मुझे चाहिए उतना फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेंगी और इसमें से हमारी कलियाँ निकलेंगी। तो जो मैं ये कुर्ती बना रही हूँ इसमें हमारी ऊपर से ही कलियाँ रहेंगी। तो कलियों का मेजरमेंट आपको किस तरह से निकालना है मैं बहुत सिंपल तरीका बता देती हूँ आपको। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसमें आपको पहले 4 इंच प्लस कर लेना है। जैसे मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो 38 इंच है, उसमें हम 4 इंच प्लस कर लेंगे पहले। तो 38 में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 42 इंच। अब जितनी कलियाँ बनानी है, तो मुझे बनानी है 10 कलियाँ, तो 10 से मैं डिवाइड कर दूँगी। डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका आता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा करीब 4.2 के करीब इस तरह से आएगा निकालने के बाद, और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 5.2। तो 5 इंच इसको रखूँगी ऊपर से कली की चौड़ाई। तो ऊपर से कली चौड़ाई रहेगी हमारी 5 इंच और नीचे रहेगी हमारी करीब 10 इंच चौड़ाई। अब आपको अगर 12 कलियाँ बनानी है तो 12 से डिवाइड करना, तो वो आपके ऊपर है। जितनी भी आप कली आपको बनानी है बस आपको डिवाइड कर देना है, और जो भी आए उसमें 1 इंच आपको सिलाई के लिए मार्जिन रखना है। मैंने स्क्रीन के ऊपर दे भी दूंगी किस तरह से आपको निकालना है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब कलियों को मेजरमेंट हमने निकाल लिया है। कपड़े को हमने देखिए एक बार पहले फोल्ड कर लिया है, उसके बाद इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है साइड से उसमें से अपनी स्लीव्स निकालेंगे हम। कुर्ती की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी रेडी 32 इंच, और मेरी जो इसकी लेंथ है वो है टोटल 31 इंच। 1 इंच तो हमारे स्लाइम से जाएगा तो बचेगा 30 इंच। नीचे 2 इंच की हम बाद में पट्टी लगाएंगे अलग से लेंथ बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास कपड़ा काफ़ी है तो उसमें आपको इसी में आपको अपनी लेंथ ले लेनी है। आप इसको लॉन्ग भी बना सकते हैं, तरीका यही रहेगा, लेंथ अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार मेजरमेंट निकाल के आप आइडिया ले सकते हैं कितना कपड़ा आपको चाहिए। तो मुझे 10 कली बनानी है, तो मैंने उसके हिसाब से कपड़े को उतना ही फोल्ड किया जितना मुझे चाहिए। और आगे जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमारी स्लीव्स निकलेंगी। कपड़े को हमने रखा है 4 फोल्ड में, तो अब कली का हम निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमारा 5 इंच था, मगर कपड़ा फोल्ड है तो यहाँ हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 निशान लगा लिया है। नीचे भी कपड़ा देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो यहाँ से लेंगे हम 10 थी नीचे कली चौड़ाई, मगर हम 5 लेंगे क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड में है। यहाँ से हमारी 2 कली निकलेंगी। अब इंच टेप रखेंगे तिरछा और इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारी 2 कली की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ हमारी 2 कली निकलेंगी, बाकी हमारी 4 कली निकलेंगी। अब देखिए इसके बाद हम ऊपर से पहले हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया था, नीचे से 5 इंच लिया था। अब यहाँ से लेंगे हम पूरा 5 इंच कली की चौड़ाई, और यहाँ नीचे की तरफ लेंगे हम 10 इंच कली की चौड़ाई। अब इंच टेप से तिरछा मिला देंगे इसको। ये देखिए, अब ऊपर से फिर हम 5 इंच लेंगे, देखिए यहाँ से, और नीचे से फिर हम 10 इंच लेंगे। देखिए मैंने कपड़ा उतना ही फोल्ड किया जितना मुझे चाहिए। देखिए इसको फिर हम मिला देंगे इस तरह तिरछा। तो इस तरह से कलियों की मार्किंग करनी है हमें। अब जो हम मार्किंग किए इनके ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा समझाया हुआ अच्छे से आपको किस तरह से हमारी कली की हमने चौड़ाई रखी है और कितनी कली हमारी निकल रही है इसमें। इन सभी कलियों को हम कट कर लेंगे। देखिए जहाँ से भी जॉइंट है वहाँ से इनको अलग कर लेंगे। टोटल हमारी ये 10 कली निकली है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी कलियाँ कट हो चुकी है। 2 कली हमारी साइड से निकली है और 4 कली हमारी आगे से निकली है। ये देखिए कली हमने कट कर लिया, इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। अब जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसमें स्लीव्स कट करेंगे, तो हमारे स्लीव्स में जॉइंट आए, कपड़ा कम है। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इक्वल कर लेना है और 4 फोल्ड में रख लेना है। देखिए उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसको 4 पीस में आपको रखना है, और 1/2 इंच आपको ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। और लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इनको कट कर लिया है। उसके बाद ऊपर से लेंगे हम 8.5 इंच, यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, यहाँ हम शेप देंगे। तो अभी फ्रंट की शेप नहीं देंगे क्योंकि वो हम जॉइंट करने के बाद देंगे,
बॉटम मैंने ले लिया है नीचे से 5 इंच, स्केल से इसको मिला दिया है। आगे मार्जिन लिया है मैंने 1.5 इंच का, और इसको भी हमने स्केल से इस तरह से मिला दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो एक स्लीव में हमारे 2 जॉइंट लगेंगे, देखिए गहराई हम बाद में करेंगे जब इसके हम जॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से भी इनको हम अलग कर देते हैं, तो हमें ये 4 पीस मिलेंगे जॉइंट है हमारे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जो कलियाँ है उनको जॉइंट करना है, उसी के बाद हमारे कुर्ते की मार्किंग होगी। तो कलियों को आपको सिंपली जॉइंट करना है, ऐसा नहीं है तिरछे साथ ये जॉइंट करना है, बिल्कुल सिंपली आपको कली जॉइंट करनी है। तो फ्रंट के लिए 5 कली और बैक के लिए 5 कली आपको जॉइंट करनी है। तो देखिए इनको जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए हमने जॉइंट कर ली है, ये हमारे 5 कली फ्रंट में आएगी और 5 कली हमारी बैक की रहेगी। अब इसके ऊपर अपनी कुर्ती की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम इसे उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया है, दोनों पार्ट हमने इस तरह से रख लिया है। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे, तो इसकी जो शोल्डर रखूँगी मैं 6 इंच रखूँगी, आर्म होल लूँगी मैं 6.5 इंच, क्योंकि पीछे गला डीप है इसलिए मैंने शोल्डर कम लिया। अगर आप छोटा बना रहे हो पीछे गला तो ऊपर शोल्डर आप ज़्यादा ले। इसके बाद निशान लगाना है आपको ऊपर से 14.5 इंच पर अपनी वेस्ट के लिए। इसके बाद निशान लगाएंगे चेस्ट का, तो चेस्ट है मेरी 38 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेना है 9.5, तो 9.5 पर निशान लगा लिया मैंने। वेस्ट मेरी है 34 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5, तो 8.5 निशान लगा लिया है। अब इसको हम देखिए इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ से देखिए वेस्ट पे रखेंगे इन शेप को, नीचे तक इस तरह से हम ए लाइन में रखेंगे और यहाँ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद आगे आपको मार्जिन लेना है करीब 1.5 इंच, देखिए इस तरह से, और यहाँ से भी आपको इस तरह से मिला देना है नीचे तक। अब देखिए इसके बाद हम अपने आर्म होल की शेप देंगे, तो एक शेप हम देंगे 1.5 इंच पर, ये हमारे बैक की शेप होगी, और फ्रंट की देंगे हम ये देखिए 0.5 इंच पे, वो हमारी फ्रंट की शेप होगी। और ऊपर हम देंगे ऊपर 0.5 इंच हम करेंगे शोल्डर डाउन। तो मार्किंग हमने कर ली है, इसे हम कट कर लेंगे। तो नीचे से हमारे कोने ना लटके तो यहाँ से हमें शेप देनी है, तो 2.5 इंच मैंने इस तरह से शेप दे दी है हल्की गोलाई में, इसको कट कर लिया है। कटिंग हमने कर ली है, इसमें से हम बैक पार्ट निकाल देंगे, जो फ्रंट की आर्म होल की गहराई है उसे हम करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ हम गहराई कर लेंगे फ्रंट की आर्म होल की। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद देखिए मैंने ये सिल्वर कलर का गोटा लिया है, जो जितनी भी हमारी कलियाँ उन कलियों के ऊपर हम ये जो गोटा है इसको जॉइंट कर लेंगे। इसी जगह कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने सभी जो कली की जो सिलाई है उनके ऊपर मैंने ये गोटा लगा दिया है, ये देखिए। अब इसका हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक मैंने देखिए कट करके रख लिया है, लेंथ लिए मैंने 7.5, चौड़ाई लिए मैंने 5.5, और एक्स्ट्रा इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब साइड से जो कपड़ा है उसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद आपको नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में कट लगा लेना है और चौक से एक निशान भी लगा लेना है इसके ऊपर। अब अपनी जो कुर्ती है उसका फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको भी आपको सेम इसी तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल अच्छे से देखिए। और इसमें भी आपको सेंटर में कट लगा लेना है जैसे मैंने नेक पे लगाया था, और इसको खोलेंगे और खोल कर आप चौक से निशान लगा लें इसमें राइट साइड, देखिए इस तरह से निशान लगा लें। अब जो नेक हमने रेडी किया है उसे इसके ऊपर हम सेट करेंगे, कट से कट मिलाएंगे, निशान से निशान मिलना चाहिए। अब एक सिलाई आपको लगानी है सेंटर में सबसे पहले, ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद जो भी हमारे नेक की शेप है राउंड हो या कोई भी हो उसके किनारे किनारे आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो बीच का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे हम कट कर देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे, और इसके बाद इसको हम बैक साइड फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसमें हम लगाएंगे बड़ी सिलाई जिसे हम तुरपाई के बाद निकाल देंगे। इसी तरह से अपना बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने राउंड नेक बनाया है बैक में। इसके बाद इसे शोल्डर हम अटैच करेंगे, देखिए शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद स्लीव्स में जो जॉइंट थे उन्हें लगाएंगे हम, ये देखिए जो सीधी वाली साइड है वहाँ से आपको ये जॉइंट करना है। तो एक स्लीव्स में 2 जॉइंट आएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो पहले हम जॉइंट लगा लेते हैं, ये देखिए जॉइंट लगा लिया हमने, और इसके ऊपर टॉप सीम जरूर लगानी है आपको। इसके बाद एक के ऊपर एक हम स्लीव्स रखेंगे, दोनों सीधे हिस्से आपके अंदर तरफ होने चाहिए। उसके बाद आपको फ्रंट की जो गहराई है वो करनी है, ये देखिए इस तरह से यहाँ हम गहराई कर लेंगे और एक कट लगा देंगे छोटा सा ताकि पता रहे ये हमारा फ्रंट में आएगी।
इसके बाद अपने स्लीव्स को हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरह से खोलेंगे। आप चाहो तो पूरा फिटिंग करने के बाद भी स्लीव्स जॉइंट कर सकते हैं, मगर मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा। अब स्लीव्स लेंगे, जो स्लीव्स में हमने कट लगाया था वो हमारा फ्रंट साइड आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे सिलना इसे हम, पूरा इसको हम एंड तक इस तरह से सिल देंगे। दोनों स्लीव्स को आपको इस तरह से जॉइंट करना है। तो स्लीव्स देखिए हमने जॉइंट कर लिए, नीचे से भी उन्हें फोल्ड कर लिया। अब इसकी स्लीव्स में हम लेस लगाएंगे, तो मैंने इस तरह से ये गोल्डन कलर की लेस ली है। तो स्लीव्स में इस लेस को अटैच कर लूँगी। तो दोनों स्लीव्स में हम लेस को लगा लेंगे। तो स्लीव्स में देखिए हमने लेस लगा ली है, इसकी हम करेंगे फिटिंग। तो उसके लिए मैंने इसको उल्टा कर लिया है और सेंटर में एक निशान लगा लिया है इस तरह से। इसके बाद जो भी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट करना है। तो मेरा चेस्ट है 38 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5। तो लाइन के दोनों तरफ हमने 9.5 पर निशान लगा लिया है। वेस्ट है 34 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच। तो लाइन के दोनों तरफ हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको फिटिंग का निशान लगाना है। ये देखिए हिप का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको वेस्ट का ही लगाना है। आप बॉटम का निशान लगा लेंगे 5 इंच पर। इसके बाद बॉटम वाले जो स्लीव्स का पॉइंट है उसे हम चेस्ट तक मिला देंगे। ये देखिए, और आपको नीचे तक इस तरह से इसमें शेप देनी है। तो इसकी फिटिंग कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फिटिंग कर ली अपनी कुर्ती की। कुर्ती हमारी देखिए ऊपर से रेडी है। अब इसका नीचे का हम घेर तैयार करेंगे। इसकी हमारी लेंथ कम थी तो उसके हमें लेंथ बढ़ानी है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये इस तरह से गोल्डन कलर की लेस ली है। तो राइट साइड रखेंगे, आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए पूरे घेर पर इसको अटैच कर लेंगे। साइड की जो सिलाई थोड़ी सी मैंने उसे खोल दिया है क्योंकि मैं इसे पट्टी अटैच करूँगी। तो देखिए लेस हमने पूरे में अटैच कर ली है। अब मैंने ली एक ब्लैक कलर की पट्टी क्योंकि मुझे लेंथ बढ़ानी है। और इसकी जो लेंथ है पट्टी की पूरा मैंने घेर के बराबर ली है। और जब इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद मेरा 2.5 इंच आ रहा है। सिलाई में जाने के बाद मेरा ये 2 इंच तैयार रहेगी ये पट्टी। आप पट्टी को देखिए आपको डबल करना है, डबल करके आपको राइट साइड रखनी है पट्टी। मगर सिलाई लगाओगे आप उल्टी तरफ से, क्योंकि जो हमारी लेस वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरे घेर पर हमने सिलाई लगा ली है। और देखिए यहाँ से थोड़ा सा खुला छोड़ा था हमने, उसे भी हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस पट्टी को देखिए हम इस तरह से पलटेंगे तो हमारी इस तरह से आ जाएगी ये। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे हम ताकि हमारी लेस थोड़ा फिनिशिंग के साथ लग जाए। तो पूरे घेर पर आपको इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने पट्टी भी नीचे अटैच कर ली है। अब पूरा मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसका रेडी होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक है हमारी कुर्ती का। और इसके साथ देखिए मैंने ये ट्यूलिप सलवार रेडी की हुई है और इसमें भी मैंने गोल्डन कलर की लेस दी है। तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होगी मेरी। देखिए मात्र 1.5 मीटर कपड़े में मैंने ये इसे रेडी किया हुआ है। तो इसके बैक में देखिए मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन दिया हुआ है। तो सलवार की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी मेरी इस वीडियो के बाद। देखिए मैंने तो बनाई है शॉर्ट कुर्ती, मगर आप इस सलवार के साथ अगर लॉन्ग कुर्ती बनाओगे तो भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।